आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि सी वाटर सॉल्टी क्यों होता है, और डाकेश शो की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज जय, यू आर वाचिंग डाकेश शो। तो सी में सॉल्ट आता है रॉक से, जो हमारे लिथोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। यह प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, जब रेन होता है पानी की बूंद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर हल्का सा एसिडिक हो जाता है, और जब यह पानी की बूंद जमीन पर गिरती है तो उन पर प्रेजेंट रॉक को बहुत ही छोटे हिस्सों में तोड़ती है, जिसे हम बेडिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। जिससे रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम पानी से मिल जाते हैं, और यह पानी नदियों के जरिए समुद्र से जा मिलता है। हालांकि नदियों के पानी में इतना मिनरल्स नहीं होता जो उसे सॉल्टी बना दे, यही वजह है कि हम नदियों का पानी पी सकते हैं। जब यह नदियों का पानी समुद्र से मिलता है तो वह अपने साथ लाए मिनरल्स को सी में डिपॉजिट कर देता है, और यह प्रोसेस लगातार चलता रहा, जिससे ओशियन में हर साल एक बहुत ही छोटी मात्रा में सॉल्ट ऐड होता रहा, और दुनिया की सारी नदियों में लाए मिनरल्स जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट से समुद्र में 20 से 30 करोड़ साल में इतना मिनरल जुड़ गए कि वह सॉल्टी हो गया। लेकिन केवल रिवर ही सी को सॉल्टी बनाने का जिम्मेदार नहीं है, समुद्र के नीचे हो रहे वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण भी सी वाटर सॉल्टी हुआ है। असल में जब सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस इरप्शन के दौरान निकले मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम सी वाटर से मिल जाते हैं, और सी को सॉल्टी बनाने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और ऐसे ही साइंस स्टफ के लिए स्टे ट्यून्ड विद द डार्केस्ट शो।